पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम द्वारा बुध बाजार में दुकानों पर 3 से 12 फुट तक लाल निशान लगाने और नाले के पास तक की दुकानों को अतिक्रमण मांग मानने को लेकर दिए गए नोटिस के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने बुध बाजार से नगर निगम तक पैदल मार्च निकाला और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर इसका विरोध जताया। व्यापारियों का आरोप है कि नोटिस देने आने वाली टीम को ये भी नहीं मालूम कि वो नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं। उधर व्यापारियों का कहना है कि 12 फुट तक दुकानें लाल निशान लगाकर तोड़े जाने की धमकी से दुकानदारों का काम चौपट हो जाएगा, किसी किसी की तो पूरी दुकानें ही टूट जाएंगी। उन्होंने आशंका जताई है कि जल्द बुलडोजर चलाकर इन दुकानों को तोड़ा जा सकता है, जिससे व्यापारियों के सामने कारोबार की समस्या पैदा हो जाएगी। इसके विरोध में व्यापारी एकजुट हो गए और उन्होंने नगर आयुक्त से मिलकर रोष जताया। ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि यदि नोटिस वापस नहीं लिए गए तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष ने बताया कि नगर आयुक्त को जल्द संतोषजनक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया गया है। पैदल मार्च में मंडल के और भी व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान नगर आयुक्त ने भी व्यापारियों को संतुष्ट करके वापस भेजा। उन्होंने कहा कि मंगलवार को व्यापारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें उनकी सभी मांगे सुनिश्चित की जाएंगी। नगर आयुक्त के द्वारा सीधे तौर पर साफ कर दिया गया है कि यदि किसी के द्वारा इनक्रोचमेंट किया गया है तो उसे या तो वो स्वयं ही हटा ले, नहीं तो नगर निगम जरूर तोड़ेगा। आज नगर आयुक्त साहब से जो मुलाकात हुई, आज नगर निगम के साथ नगर आयुक्त महोदय ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हम लोग व्यापार मंडलों को बुलाया था, हम लोग वहाँ मौजूद थे। हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बने, लेकिन किसी व्यापारी का उत्पीड़न किसी कीमत पर व्यापार मंडल नहीं होने देगा। इसके लिए चाहे उसे आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक व्यापारी एक साथ है, एक साथ रहेगा। हमारी सुबह माननीय विधायक जी से भी बात हुई है, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है किसी व्यापारी का उत्पीड़न होने नहीं दिया जाएगा। नगर आयुक्त साहब ने हम लोगों को मंगलवार को एक बार फिर से बुलाया है और उन्होंने कोई योजना है उसके बारे में हमें बताया है, लेकिन हम सहमति जब ही भरेंगे पहले हम देखेंगे उस चीज़ का क्या आगे निष्कर्ष निकलता है। हम व्यापारी के साथ हैं और व्यापारी के साथ थे। मांगे रही हैं आपकी और क्या बात रही अभी नगर आयुक्त साहब से? नगर आयुक्त महोदय से आज मुलाकात हुई। बुध बाजार इंपीरियल तिराए से लेकर बुध बाजार पुलिस चौकी तक स्मार्ट सिटी में लाने के लिए इन लोगों ने कुछ योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं से व्यापारियों की जीविका और भरण पोषण पर बनकर आ गई है। नगर निगम के जो नाले हैं उनके आगे का अतिक्रमण तो व्यापारी हटा सकता है, लेकिन हर व्यापारी की दुकान पर 8-8 मीटर 7-7 मीटर का निशान लगा दिया गया है और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उसकी रोजी रोटी छीनने की तैयारी नगर निगम कर रहा है। जब नाले से पीछे की उसकी दुकानें हैं, नाला वहाँ पुराना 100 साल पुराना नाला है और वो एक सीध में नहीं है, वो कुछ जगह टेढ़ा हो गया है, कुछ जगह आगे है, कुछ जगह पीछे है और ये सन 47 से पहले का नाला है। तो उसको नाले को सीधा करने की योजना इन्होंने बना ली, जिसमें लगभग 80% व्यापारियों की दुकानें जा रही हैं और उनकी रोजी रोटी पर बनाई है। इस बात के लिए हम आज नगर आयुक्त महोदय से मिले थे। नगर आयुक्त महोदय ने अपना कार्य योजना बताई कि हम लोग आप लोगों को संतुष्ट कर इसको काम को करेंगे। पहले प्रेजेंटेशन मंगलवार को नगर निगम हम व्यापारियों को दिखाएंगे कि हम ये करना चाह रहे हैं, तो पहले हम मंगल को वो प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अगर व्यापारी उससे संतुष्ट हो जाते हैं तो नगर निगम को व्यापारी सहयोग करेगा, अगर संतुष्ट नहीं होता है तो आंदोलन का रास्ता व्यापार मंडल को मजबूर होकर अपनाना पड़ेगा। देखिए, इसीलिए हम पहले इनके साथ एक बार वार्ता करके योजना की जानकारी देंगे,
इसके पश्चात हमने एक कमेटी बनाई हुई है जो मौके पर जाकर के केस टू केस बेसिस पे किसकी दुकान या किसका प्रतिष्ठान कितना नाले के ऊपर है, कितना सड़क के ऊपर है, उसमें एक प्रॉपर डिस्कशन करके रिकॉर्ड की स्थिति को एक दूसरे से डिस्कस करके उसके बाद ही उचित निर्णय लेंगे कि इसमें कितना हिस्सा तोड़ा जाना है और कितना नहीं। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि जो अतिक्रमण की जद में होगा वो जरूर हटेगा। अपर नगर आयुक्त तो जो स्मार्ट सिटी में एसीओ का पद भी रखते हैं, उनके साथ चीफ इंजीनियर नगर निगम, चीफ इंजीनियर स्मार्ट सिटी और दो और अधिकारियों को इस समिति में नामित किया गया है जो केस टू केस बेसिस पे व्यापारियों के मसलों का हल करेंगे। अभी जो वार्ता हुई है बहुत सकारात्मक माहौल में हुई है। देखिए, किसी के साथ कोई गतिरोध या प्रतिरोध या विरोध नहीं है। वो हमारे शहर के व्यापारी हैं, उनसे राजस्व मिलता है, वो सिटी को रेवेन्यू देते हैं। तो और जो भी योजनाएं लाई जाती हैं अंतिम रूप से व्यापारियों या शहरवासियों के लिए ही लाई जाती हैं। तो मुझे, मेरे साथ जो वार्ता हुई बहुत सकारात्मक माहौल में हुई है। लगभग सभी व्यापारी एकमत से सहमत थे। उनका कहना सिर्फ इतना है कि साहब, हमें विश्वास में लेकर के हमारे सहयोग से चीज़ों को किया जाए और अनावश्यक किसी का उत्पीड़न न किया जाए। जाहिर सी बात है, निगम या स्मार्ट सिटी लिमिटेड की कोई भी मंशा किसी भी व्यापारी के उत्पीड़न की नहीं है, विकास करने की है और विकास को सबके सहयोग से ही किया जाए। हमारे विकास के प्रोजेक्ट के ड्राफ्ट से प्रभावित होगा, उसे हटना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक दैनिक जीवन यापन करने वाले व्यवसायी की रोजी रोटी न चली जाए, इसके प्रति भी स्मार्ट सिटी और नगर निगम संवेदनशील है। उसकी कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था